मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पुलिस कर्मियों को सौगात दी। उन्होंने पुलिस अधिकारी और आरक्षकों के लिए नए शासकीय आवास 10 मंजिला हाईराइज बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। ये बिल्डिंग 41,87,00,000 की लागत से बनवाई जा रही है। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई आरक्षक या अधिकारी आवास के लिए किसी नेता की सिफारिश ना लगानी पड़े, कुछ ऐसे इंतजाम करना चाहते हैं। कोरोना काल में पुलिस और चिकित्सकों की जो अहम भूमिका रही है उसे भुलाया नहीं जा सकता। कोई किसी को अप्रोच नहीं लगाता मिले कि कोई नेता एमएलए एमपी के पास जा रहा है कि मुझे क्वार्टर दिलवा दो। वो ट्रांसफर होके दतिया आए तो उसने अपने आप उसके बच्चों, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है शर्मा जी, एडीजी साहब, कि लॉकडाउन में दो विभाग मेरे पे थे, एक स्वास्थ्य एक गृह। और आपको अचंभा होगा, फील्ड में ये दो ही विभाग थे, सड़क पे मेरे पुलिस का जवान था और अस्पताल में मेरा डॉक्टर था। बाकी सब शुरुआत के लॉकडाउन में अपने घर के अंदर थे। बाहर अगर कोई मिलता था तो जानवर मिलता था, इंसान नहीं मिलता था सड़क के ऊपर। उस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने दतिया आना बंद कभी नहीं किया था। आपको अचंभा होगा, मैं हर शनिवार इतवार को दतिया ही आता था, उस लॉकडाउन में भी आता था और गरीबों में अनाज बांटता था जाके, क्योंकि उस समय एक दिक्कत थी, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो मैं हर, और सारे लोग मुझ पर चिल्लाते भी थे, क्योंकि उस दौर में कोरोना का डर बहुत था, कोरोना कम था। फिर कोरोना वहां तो डर खत्म हो गया, उसका बड़ा अजीब बीमारी है।